गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। अब राज्य का नया सीएम कौन होगा, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। बीजेपी आलाकमान ने रविवार को विधानसभा बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में दो केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर को गुजरात भेजा है। विजय रूपाणी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। गौरतलब है कि विजय रूपाणी ने शनिवार को राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में रूपाणी के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दिन में रूपाणी ने राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज एक बैठक रहेगी जिसमें हमारे जो एमएलएस है वो एमएलएस की बैठक रहेगी, साथ में जो एमपी है गुजरात के वो एमपी भी रहेंगे, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो अपेक्षित हमारे यहाँ से जो पदाधिकारी गण है वो भी रहेंगे, और साथ में दो केंद्र में से ऑब्जर्वर आए हुए भारतीय जनता पार्टी से। जो हमारी सिस्टम रही है पार्टी की और जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चयन नए प्रधान नए मुख्यमंत्री श्री का यहाँ से होगा। सभी एमपी को आमंत्रण दिया गया है क्योंकि सभी अपेक्षित श्रेणी में सभी एमपी भी आते हैं और सभी एमएलए भी आते हैं और प्रदेश के पदाधिकारी गण जो होते हैं वो भी आते हैं, इसलिए सभी को आमंत्रण दिया गया है। और साथ में केंद्र के जो प्रभारी है वो भी आए हुए हैं, भूपेंद्र यादव जी वो भी रहेंगे साथ में। क्या प्रफुल्ल पटेल जी को भी बुलाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका भी नाम चर्चा में है सीएम की पद की रेस। प्रफुल्ल पटेल जी, ये जो मैंने आपको अपेक्षित श्रेणी गिनाई उसमें है नहीं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी भी गुजरात के है और एक सम्माननीय नेता है, वो अपने आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई इसमें अपेक्षित नहीं किया गया उनको, और उनका आना भी ऐसे कोई अभी तक तय नहीं है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, मीटिंग के बाद में ही जो विधायक दल की बैठक होगी उसी के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा, लेकिन कई नाम चर्चा में है उसको लेकर कहीं ना कहीं नितिन पटेल भी कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं, तो विधायकों में क्या प्रॉब्लम है? विधायकों में से ही होगा या बाहर से भी होगा, जो भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो 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 भी